अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और बेसिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये रेसिपी है मकई की रोटी की। सर्दियों में ख़ास तौर पर इसको बनाया जाता है, लेकिन इसको बनाना इतना आसान नहीं होता। अगर आपकी प्रैक्टिस ना हो तो ये खासी मुश्किल है बनानी। तो इसीलिए मैं आपके साथ एक और ज़बरदस्त सा इसका तरीका शेयर कर रही हूँ, जिसकी मदद से हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। आप इसको कॉर्न पैनकेक भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है मकई का आटा बारीक वाला 1.5 कप, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी मकदार को ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक को डाल देने के बाद मैं रूम टेम्परेचर पर इसमें दूध शामिल कर रही हूँ 1 कप, और दूध को आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। इस तरह से डालने के बाद आपने सिंपल किचन वाला विस्क इस्तेमाल करना है इसको मिक्स करने के लिए, ताकि इसमें जो लम्स बने वो मिक्स होते जाएं। इसमें इस तरह से मिक्स करते हुए तकरीबन 1 कप दूध मैंने इसमें सारा डाल दिया है, लेकिन अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, हमें इसकी कंसिस्टेंसी पतली चाहिए। इसके लिए मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ अंडा 1 अदद। अंडा हम इसमें इसलिए डालेंगे क्योंकि ये एक बाइंडिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। अंडे को डाल देने के बाद आपने इसको एक मरतबा फिर से मिक्स कर लेना है, ताकि एक स्मूथ सा आमेज़ा आपके पास तैयार हो जाए। और इसकी एंड कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी होनी चाहिए। थिक नहीं होनी चाहिए, यूं ही रनी होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। अगर आप थिक रखेंगे तो आपकी रोटी ठीक नहीं बनेगी। आमेज़ा हमारा तैयार हो चुका है, अब बारी है इसको फ्राई करने की या रोटी को बनाने की। मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन लिया है और 1 चाय का चम्मच ऑयल लेकर इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। आप मक्खन या घी जो इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच की मदद से यूँ डाल दें और इसके पैंदे की मदद से आप यूँ इसको फैला लें, या फिर इस तरह से आप एक छोटा जग इस्तेमाल कर लें इस आमेज़े को डालने के लिए। दोनों तरीक़ों में से जो आपको ठीक लगता है वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। इसको डाल देने के बाद आपने फ़ौरन इसमें चम्मच नहीं चलाना, इसको हिलाना नहीं है। तकरीबन 40 से 50 सेकंड तक लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाने के लिए छोड़ना है। जब इस तरह से ऊपर से आपको नज़र आए कि ये पक चुकी है, आप चम्मच लीजिए और इसको देखिए। अगर रोटी पैंदे से छूट जाए तो इसका मतलब है कि ये अब टर्न करने के लिए तैयार है, फिर आप इसको टर्न कर लें। और टर्न करने के बाद नीचे से इसको पकाने के लिए अगेन आप जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है, मज़ीद 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाला है, और इसी तरह से आपने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। वैसे तो ये रोटी खासी पतली होती है और झटपट बनती जाती है, लेकिन अगर आप इसको और जल्दी बनाना चाहते हैं तो यूँ चम्मच की मदद से ऊपर से आप इसको प्रेस करें, ताकि जो आटा है वो पकता जाए। नीचे वाली साइड से जब ये पक जाए, अच्छा सा ये फ्राई हो जाए रोटी, तो आप इसकी साइड को दोबारा से चेंज करें। और अगर आपको ज़रूरत है तो आप मज़ीद मक्खन या ऑयल इस्तेमाल कर लें इसको पकाने के लिए। इस तरह से इसके किनारों से आप इसको अच्छी तरह से पका लें, और दोनों तरह से जब ये फ्राई हो जाए तो आप इसको सर्व कर दें। झटपट बनती जाती है, इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है मकई की रोटी बनाने का, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहें। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।